सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। आप सभी को तीनों मॉड्यूल मिल गए होंगे और उम्मीद है आपने तीनों मॉड्यूल का अध्ययन भी कर लिया होगा। साथियों, जैसे ही आपके विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे, ये 2020 में तो बच्चे नहीं आ पाए, लेकिन उम्मीद है कि 2021 में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके विद्यालय में बच्चे आएंगे तो आपको तीनों मॉड्यूल के अनुसार ही चलना होगा, उनके अनुसार ही शिक्षण करना होगा। मॉड्यूल में आपको शिक्षण योजनाएं बताई गई हैं, किस तरह से आपको शिक्षण योजनाएं बनाकर बच्चों का शिक्षण करना है। इसके साथ साथ उसमें गतिविधियां भी बताई गई हैं, उन गतिविधियों के अनुसार ही आपको बच्चों को सिखाना है। इसके अतिरिक्त प्रातःकालीन सभा के बारे में बताया गया है मॉड्यूल में कि किस दिन कौन सी प्रार्थना करानी है, कौन सी गतिविधि करानी है। इसके साथ साथ सांध्यकालीन सभा जो आपकी 30 मिनट की होगी प्रतिदिन, उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सांध्यकालीन सभा की कार्य योजना क्या होगी, किस दिन हमें क्या समूह ज्ञान कराना है, किस दिन क्या गतिविधि करानी है और किस दिन किस विषय की गतिविधि या खेल हमें कराना है। पूरी डिटेल में आज की वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सांध्यकालीन सभा की कार्य योजना क्या क्या है। तो साथियों, सबसे पहले सोमवार से शुरू करते हैं। सोमवार को सांध्यकालीन सभा में कराए जाने वाले कार्य या गतिविधि क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो आप समूह गान कराएंगे। ये आपकी 30 प्रत्येक दिन आपको 30 मिनट का समय देना है सांध्यकालीन सभा के लिए, और हर दिन अलग अलग समूह गान कराना है। इसके साथ साथ हर दिन गतिविधि और खेल जो है आपको सब्जेक्ट वाइज कराने हैं। तो सबसे पहला सोमवार को समूह गान जो आपको कराएंगे, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, ये समूह गान आपको बच्चों को कराना है। समूह गान कराने के बाद आपको सामूहिक व्यायाम और योगासन बच्चों को कराना है। उसके बाद सामूहिक व्यायाम और योगासन कराने के बाद आपको क्विज प्रतियोगिता करानी है, जो साप्ताहिक होगी, यानी कि सोमवार के दिन ही आपकी क्विज प्रतियोगिता होगी जो बच्चों को आपको करानी है। उसके बाद नंबर 4 पे गतिविधि या खेल, और ये आपको गतिविधि और खेल ये आपको हिंदी विषय का कराना है, यानी कि सोमवार को आपको हिंदी की कोई भी गतिविधि या हिंदी के बारे में ही कोई खेल आपको बच्चों को बताना है। उसके बाद शाम की कहानी, एक कहानी बच्चों को बताएंगे शाम को, यानी कुल मिलाकर आपको सोमवार को आधा घंटा ये काम कराना है। सोमवार के बाद बात करते हैं मंगलवार को, यानी मंगलवार को सांध्यकालीन सभा में क्या क्या कार्य कराए जाएंगे या क्या क्या गतिविधि कराई जाएंगे। उसके बाद मंगलवार को जो आप समूह गान कराएंगे, वो समूह गान होगा हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। ये आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए हैं सारे समूह गान, इनको आप याद करा दीजिए बच्चों को चार्ट पे बना के। तो मंगलवार को आपका समूह गान ये होगा। समूह गान के बाद फिर सामूहिक व्यायाम और योगासन कराएंगे। उसके बाद कविता, कहानी और बाल गीत बच्चों को आप कराएंगे। इसके बाद गतिविधि आपकी और खेल अंग्रेजी की इस दिन कराएंगे, यानी मंगलवार को आपको अंग्रेजी की ही कोई गतिविधि करानी है और अंग्रेजी का ही कोई खेल कराना है, जिससे कि बच्चों को अंग्रेजी के बारे में ज्ञान हो। उसके बाद 5वें नंबर पर शाम की कहानी कराएंगे, कोई भी कहानी बच्चों को इंग्लिश में आप बता देंगे, ये आपको करानी है। उसके बाद बात करते हैं बुधवार की। बुधवार की सांध्यकालीन सभा में कराए जाने वाले कार्य या गतिविधि क्या क्या होंगी। बुधवार में आपका जो समूह गान होगा, हे जग त्राता विश्व विधाता, ये भी आपका समूह गान शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है, इसको आप बच्चों को याद करा दीजिए, क्योंकि ये हमें बुधवार के दिन कराना है। प्रत्येक दिन आपको अलग अलग समूह गान कराना है और अलग अलग गतिविधि और खेल करानी है आपको हिंदी सब्जेक्ट वाइज, तो इसको आपको ध्यान करना है। समूह गान कराने के बाद सामूहिक व्यायाम और योगासन बच्चों को कराएंगे।
इन योगासन को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, सप्ताह के दिन आपको ये योगासन आज कराना है, ये योगासन आपका आज कराना है, तो आप ये सामूहिक जो व्यायाम और योगासन होते हैं इनको आप अपने अनुसार डिवाइड कर लीजिए, 7 दिनों में यानी 6 दिनों में कौन कौन से दिन कौन कौन सा आपको कराना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कविता, कहानी, बाल गीत, कोई भी कविता, कोई भी कहानी या कोई भी बाल गीत आप बच्चों को बताएंगे। उसके बाद गतिविधि और खेल, गतिविधि या खेल हमें इस दिन बुधवार को गणित की गतिविधि करानी है और गणित का ही कोई खेल कराना है। उसके बाद 5 नंबर पर शाम की कहानी, ये सबकी कॉमन होती है शाम को, 5 शाम की कहानी, तो ये आपका बुधवार का कार्य हुआ। बुधवार का कार्य करने के बाद उसके बाद नंबर आता है बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को सांध्यकालीन सभा में क्या क्या काम कराएंगे या क्या क्या गतिविधि हमारी होगी, तो सबसे पहले समूहगान, तो इस दिन आपका समूहगान होगा, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ये आपका समूहगान कराना है। तो सभी समूहगान को आप एक चार्ट पे बना लीजिए, बच्चों को याद करा लीजिए, उनके ऊपर लिख दीजिए किस दिन आपको क्या समूहगान कराना है। उसके बाद सामूहिक व्यायाम और योगासन कराएंगे बच्चों को। योगासन कराने के बाद वही कविता, कहानी, बाल गीत कराएंगे और बाल गीत के बाद गतिविधि, इस दिन आपकी गतिविधि होगी आपकी विज्ञान की, और खेल भी अगर आपको कराना है तो वो भी खेल भी आपका विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, और उसके बाद शाम की कहानी आप बच्चों को बताएंगे। बृहस्पतिवार के बाद नंबर आता है हमारा शुक्रवार का। शुक्रवार को सांध्यकालीन सभा में कराए जाने वाले कार्य या गतिविधि क्या क्या होंगे, सबसे पहले समूहगान, तो शुक्रवार को जो हमारा समूहगान होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान हमारा, तो ये आपका समूहगान है, यानी कि कुल मिलाकर आपके 5 समूहगान मैंने बताए, सभी बच्चों को याद करा लीजिए। जिस तरह से 5 दिन अलग अलग प्रार्थनाएं करानी है, इसी तरह से 5 दिन अलग अलग सामूहिक समूहगान कराने हैं, बल्कि प्रार्थनाएं तो आपकी 6 दिन करानी है और 6 ही दिन आपको समूहगान अलग अलग कराने हैं। उसके बाद सामूहिक व्यायाम और योगासन कराएंगे, उसके बाद कविता, कहानी, बाल गीत कराएंगे, और नंबर 4 पे गतिविधि या खेल, पर्यावरण की गतिविधि और खेल कराएंगे, यानी सोमवार को आपकी हिंदी की, मंगलवार को आपकी अंग्रेजी की, बुधवार को गणित की, बृहस्पतिवार को विज्ञान की, और शुक्रवार को पर्यावरण की गतिविधि या खेल आपको करानी है। उसके बाद शाम की कहानी। अब बात करते हैं शनिवार को। शनिवार को सांध्यकालीन सभा में क्या क्या कार्य कराए जाएंगे। शनिवार को आपकी छुट्टी रहेगी, सामूहिक व्यायाम और योगासन कराने की जरूरत नहीं है आपको, कविता, कहानी, बाल गीत ये भी आपको कराने की जरूरत नहीं है, तो शनिवार का आपका अलग सिस्टम होगा। शनिवार में सबसे पहले समूहगान कराएंगे, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, तो ये आप समूहगान शनिवार को कराएंगे। शनिवार को यह कराने के बाद आप क्या कराएंगे, शनिवार को कार्यानुभव संबंधी कार्य, जो भी कोई कार्य होगा वो करा सकते हैं, बाल सभा बच्चों की करा सकते हैं, चित्रकला करा सकते हैं, TLM का को निर्माण करना बच्चों को बता सकते हैं, किस तरह से TLM का निर्माण कराया जाएगा, सुलेख प्रतियोगिता आप बच्चों को करा सकते हैं, श्रुतलेख, रंगोली, मुखोटा निर्माण, ये सब आप बच्चों को कराएंगे शनिवार के दिन। आपको 30 मिनट का समय देना है प्रत्येक दिन सांध्यकालीन सभा के लिए, यानी आपको अगर मान लिया छुट्टी 3 बजे होती है तो 2:30 बजे से आपको ये कार्य कराना है और इसके अनुसार ही आपको चलना है। ये आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, यानी कि जितना बच्चों का पढ़ना जरूरी है उतना ही सांध्यकालीन सभा भी जरूरी है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।